ना दूँ माला दे तो हाय मिजाज जिस प्रकार से आज आप लोग स्टूडियो पे बैठ के या हंगामा कर रहे हैं या प्रोटेस्ट कर रहे हैं पेपर लीक मामले को कैसा है। इतनी दुर्दैव की बात है कि एक विद्यार्थी दिन रात मेहनत करके, कितने लोगों की आर्थिक परिस्थिति नहीं है, खंभों के नीचे, लाइट के खंभों के नीचे पड़ रहे, कुछ कुछ लोग जाकर हजारों हजारों किलोमीटर स्थलांतर हो रहे, कुछ लोगों को डाइजेस्ट नहीं मिलता है, इसके लिए लोगों से चंदा लाकर या कुछ लोग तो अपने घर के लोग सब अपने घर गिरवी रखकर पढ़ाई करते हैं, और दो घंटे पहले ही पेपर लीक होता है, और एक जगह नहीं हो रहा है, दो जगह नहीं हो रहा है, तीन जगह नहीं हो रहा है, लगातार हो रहा है। इसलिए हमने ये मांग की कि इसमें कायदा भी लाना चाहिए, क्योंकि लोगों को डर ही नहीं रहा है, जो जैसे एक केस होती है बेल के ऊपर सब लोग छूट जाते, तो इसमें कड़क कायदा लाने की बात होनी चाहिए। ये हुआ एक मुद्दा, और ये सरकार का नेग्लिजेंस है ना कि एक पेपर फूटी होने के बाद आपने ड्रास्टिकली स्टेप्स लेना चाहिए था। कौन एजेंसी है, कहाँ है, ये पेपर कैसे गया, क्या नहीं गया, इसको प्रिपेयर कौन किया, क्या नहीं किया, उसको एक क्रिमिनल ऑफेंड बोलकर देखना चाहिए था, जो दुर्दैव से देखा नहीं जा रहा है और रोज हो रहा है। कल भीड़ में हुआ, यानी लोगों का भरोसा ही उड़ जाएगा कि हम क्यों पढ़ाई करें, कि अगर पेपर है तो आदमी रिसोर्सेज ढूंढने चालू हो जाएगा कि भाई यहां पढ़ाई ना करते हुए चलो हम देखते हैं किसके पास जाए करके। एक बच्चा जो पूरी दिन रात मेहनत करता है, बाजू वाला ने सोया हुआ है, बोले कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, पेपर मुझे मिलने वाला है, ये बहुत ही दुर्दैव की बात है। इसलिए आज उसका प्रोटेस्ट करने का काम हमने आज यहाँ पे किया। महाराष्ट्र से एक बहुत बड़ी घटना सामने आई है, जहाँ से सीएम एकनाथ शिंदे के दस्तावेज सिग्नेचर उनके स्टैंप सामने आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि सीएमओ ऑफिस इंटैक्ट है कि नहीं। बीच में आपने देखा कि सीएमओ ऑफिस में ही कुछ क्रिमिनल लोग आ गए। एक प्रोटोकॉल होता है, आप यहाँ पत्रकार है, विधानसभा में आने क्योंकि एक प्रोटोकॉल है, आपको पूछा जाता है कौन है क्या, हर एक व्यक्ति के लिए। हम लोग जब जाते हैं तो आप विधायक हो या ना हो ये भी वहां की पुलिस पूछती है, एयरपोर्ट पे जाते तो भी होती, तो एक प्रोटोकॉल होता है, उस ढांचे में होता है। और मुझे ऐसा लगता है ये टोटली इनडिसिप्लिन है, और मुझे लगता है कि सीएमओ का अपने कार्यालय के ऊपर पूरा तरीके से कंट्रोल रहा है कि नहीं रहा, इसीलिए सब जगह से हो रहा है। और आज ये एक बात सामने आई, शायद हो सकता है ऐसी कितनी सारी बातें जो सीएमओ से जो सामने आई नहीं है। अब एक कंप्लेंट के द्वारा ये तो भी स्पष्ट हुआ है कि सीएमओ ऑफिस इंटैक्ट दुर्दैव से नहीं है। सर, क्या इस मामले में आप मांग करते हैं, हमने देखा कि विजय रेड्डी ने मांग की इसकी कड़ी जांच हो, एसआईटी जरूर आप मांग कर रहे हैं, नहीं जांच तो होनी चाहिए। नहीं, एसआईटी तो अभी सुन के हम लोग को भी कंटाल आ गया है, कितनी सारी एसआईटी बनती है, बातें होती है, उसका क्या रिपोर्ट आया नहीं आया मालूम नहीं होता, इसकी जांच होनी चाहिए, ऐसी हमारी मांग।